हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन फर्स्ट दैट सेज अ फ्लैग स्टेप ऑफ 5 मीटर स्टैंड ऑन अ बिल्डिंग ऑफ 25 मीटर हाई फॉर एन ऑब्जर्वर एट हाइट ऑफ 30 मीटर द फ्लैग स्टेप एंड द बिल्डिंग सबटेंड इक्वल एंगल्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप इज एंड वी हैव गिवन विद 4 ऑप्शंस. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज कि हमारा टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है. टेन टू थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 minus tan square थीटा. एंड इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो देखो, सपोज ये है हमारी बिल्डिंग, ये 25 मीटर की है, 25 मीटर की. एंड इसके ऊपर क्या है हमारा फ्लैग स्टफ, और ये है 5 मीटर का. ये हो गया हमारा फ्लैग, ये हो गया हमारी बिल्डिंग. एंड इससे क्या है, एक हमारा ऑब्जर्वर है सपोज हमारे यहाँ पर, ये ऑब्जर्वर है हमारा एट 30 मीटर. हमारा ऑब्जर्वर है एट द हाइट ऑफ 30 मीटर. इट मीन सपोज हमारे यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर है, ये है हमारा, इस हाइट पर है हमारा ऑब्जर्वर, और ये क्या कर रहा है, इक्वल एंगल सबस्टेन कर रहा है फ्लैग के साथ भी और हमारी ये बिल्डिंग जो है इसके साथ भी. अगर देखो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ से, तो इसके साथ भी ये थीटा एंगल बना रहा है, इसके साथ हमारा ऑब्जर्वर थीटा एंगल बना रहा है, और ये जो हमारी बिल्डिंग है इसके साथ भी थीटा एंगल बना रहा है ऑब्जर्वर. ये भी क्या हो गया हमारा थीटा. तो हमें क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ इज. तो हमें ये फाइंड करना है ऑब्जर्वर से फ्लैग स्टफ का जो टॉप है ये. सपोज दिस इज अवर एक्स, तो हमको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, एक्स फाइंड करना है. तो मैं इन्हें नाम दे देती हूँ यहाँ पर. ये है सपोज ये है हमारा पॉइंट ए, और बस, और ये है पॉइंट ये ए बी, ये है बिल्डिंग की डिस्टेंस 25, बिल्डिंग की हाइट, और ये फ्लैग की हाइट, दिस इज 5 मीटर. सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज सपोज सी. तो हम देखेंगे इन ट्राइंगल ओ एफ ए, इन ट्राइंगल ओ एफ ए. देखो अगर हम टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा क्या आएगा हमारा 5 divided by x. टेन थीटा इज इक्वल टू 5 divided by x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखें हम ओ एफ सी, ट्राइंगल ओ एफ सी, हमारा ये क्या बनेगा टेन, ये भी थीटा, तो ये पूरा एंगल बनेगा हमारा 2 थीटा. तो ये बन जाएगा टेन 2 थीटा इज इक्वल टू हमारा हाइट क्या है इसकी 5 plus 25 दैट इज 30 डिवाइडेड बाय हमारे बेस क्या है एक्स. दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर सेकंड. देखो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे. इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट इम्प्लाइज दिस इज अवर टेन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 10 थीटा इज इक्वल टू 30 divided by x multiplied by x divided by 5. तो 5 x से x cancel and 5 6 जा 30. तो ये हमारी वैल्यू आ गई 6. तो tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, tan 2 थीटा का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे हम, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 minus tan square थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 divided by 10 थीटा इज इक्वल टू 6. तो 10 थीटा से 10 थीटा कैंसिल हो, हम 2 से 6 को कैंसिल कर देंगे 3 times. तो ये बच्चा हमारा 1 इज इक्वल टू 3 multiplied by 1 minus tan square थीटा. ये 1 minus tan square थीटा. अब 1 minus tan square थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 1 divided by 3. अब हम 10 थीटा की वैल्यू अगर हम रखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट थे जो थी हमारी क्या, ये थी हमारी 5 divided by x. सो putting value of from equation first we will implies that tan x is equal to 5 divided by x whole square is equal to 1 divided by 3 and ye hamara 1 by 3 ko idhar le jayenge 5 divided by x square ko udhar to ye ban jayega 1 minus 1 divided by 3 is equal to 25 divided by x square this implies 2 divided by 3 is equal to 25 divided by x square and this implies our 2x square is equal to 2x square is equal to 25 into 3 and this implies our 2x square is equal to kya tha hamara 25 multiplied by 3 to x ki value kitni aa jayegi hamari plus minus square root of
5 into 3 डिवाइडेड बाई 2। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 5, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस। अब सिंस हमारी वो क्या है, एक डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या होगी, निगेटिव में नहीं हो सकती, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। देखते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन है हमारा, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।